हे फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पाव भाजी की रेसिपी, जिसमें मैं डालूंगी हिडन वेजिटेबल्स। तो आ जाए। तो हाँ जी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी जो मैं आपको बता रही थी कि हिडन वेजिटेबल्स हैं मेरी पाव भाजी में बच्चों के लिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ कैरेट, गाजर, पेठा, पम्पकिन, और ये है घिया, और ये है शिमला मिर्च, दो आलू, कुछ बीन्स और थोड़े से पीस, मटर और पनीर लास्ट में डालूंगी ऊपर से। ये तो हो गया पाव भाजी की सब्ज़ियाँ जो अभी मैं बॉईल करने के लिए रखूंगी। और उसके बाद ये है तड़के के लिए, तीन टमाटर लिए हैं मैंने, एक प्याज, थोड़ा सा अदरक और कुछ फलियाँ लहसुन की। और उसके बाद मसाला, नमक, हल्दी, ये है पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा जीरा। और अब मैं कुकर में डालने लगी हूँ, इसको विसल लगवाती हूँ आपको। मैं इसको ना चॉप करने की, छोटे छोटे चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रफली इसको डाल दूँगी ऐसे ऐसे करके, इतना इतना मोटा। तो चलो मैं काट के आपको वेजिटेबल्स कुकर में दिखाती हूँ। तो देखो ये मैंने ना मोटा मोटा ही चॉप किया है, इसको काटा नहीं है बिल्कुल बारीक बारीक, क्योंकि ये सीधे लग जाएगा विसल तो हमने प्रेस बाद में इसको वही करना है, कुटना ही है। तो ये डाल दिया है सब, इसी में मैं डाल दूँगी नमक, एक चम्मच नमक, बिल्कुल आधा चम्मच हल्दी, और इसके साथ में मैं पानी डाल दूँगी। ये देखें, ये 1/4 ग्लास वाटर है, तो इसको मैं डाल दूँगी। और इसको हम विसल्स लगवा लेंगे अप्रॉक्स 3 से 4, डिपेंड ऑन कुकर, आपके कुकर में जल्दी आती है या कम आती है। इसको मैंने रख दिया 3 से 4 विसल लगवाने के लिए। उसके बाद ना हम देख लेंगे 2 या 3 विसल के बाद, अगर लग रहा है ज़रूरी है तो एक विसल और लगवा लेंगे। तो चले ये होता है, जब तक मैं चॉप कर लेती हूँ सब। मैंने शिमला मिर्च ना उसमें नहीं डाली है उबालने में, ये जाएगी तड़के में, तो इसको भी मैं छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ। चले मैं सारी वेजिटेबल्स और जो भी है प्याज वगैरह लहसुन वहसुन चॉप करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए ये सब काट दिया मैंने, फाइनली चॉप कर दिया। अब मैं कढ़ाई में, कड़छी में तेल डालने लगी हूँ। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट मैं सरसों का तेल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं बट मैं सरसों का तेल लेती हूँ। तो 2 कड़छी सरसों का तेल ले रही हूँ, 1 और 1 2। ये थोड़ा सा सड़ जाए फिर इसमें सब कुछ डालेंगे, तेज करके मैं इसको सड़ा लेती हूँ। ये देखिए तेल सड़ चुका है, कैसे धुआं निकल रहा है। तो मैं इसको कम कर लूँगी और फटाफट से मैं इसमें जीरा डालूँगी, क्विकली जीरे के साथ फटाफट लहसुन डाल दूँगी। और इसी के साथ ही हल्का सा सोटे हो जाए, बिल्कुल हल्का सा, मैं प्याज डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन ना प्याज के साथ भी अच्छे से भून जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सोटे कर लेती हूँ जब तक ये थोड़ा रेडिश पन में आ जाता है, उसके बाद मैं फिर शिमला मिर्च ऐड करूँगी। सोटे हो चुके हैं थोड़े से, इस पोजीशन पे मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। शिमला मिर्च को बिल्कुल हल्का सा सोटे करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्रंच अच्छा लगता है पाव भाजी की सब्ज़ी में, ज़्यादा कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसे थोड़ा सा सोटे करूँगी, थोड़ा सा ही करूँगी बस, हो गया ऑलमोस्ट, बिल्कुल हल्का सा। इसी में हमें टमाटो जो हमने 3 काटे थे आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, और अदरक, इसी के साथ ही मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। इसी पोजीशन पे मैं इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ, 1 चम्मच हमने पहले डाला था उबलते हुए में, तो अभी मैं 1.5 और डाल रही हूँ, बाकी मैं बाद में चेक कर लूँगी कि और तो ज़रूरत नहीं है, टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते। तो मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, 1 और ये 2, मैं 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मैं लाल मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ, ना हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप करना चाहें तो लाल भी मिर्च ऐड कर सकते हैं और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं लेस स्पाइसी बनाती हूँ, कई लोगों को बहुत स्पाइसी पसंद होता है खाना, तो मैं बच्चों के अकॉर्डिंग बनाती हूँ तो मैं ही डालती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पाव भाजी के मसाले में मिर्ची होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा मैं वाटर ऐड कर देती हूँ, जिससे ये जल्दी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे मसाला भून जाए जल्दी से। तो जब तक मसाला भूनता है हम चेक करते हैं हमारी सब्जियाँ उबल गई हैं, सीटी उसमें जो लगवाई थी या नहीं, चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्जियाँ उबली या नहीं उबली। तो ये देखें सब्जियाँ हमारी हो चुकी हैं, अब इसको मैं देख लेती हूँ हिला के। देखिए जितना मैंने पानी डाला था सब सूख गया, ये देखें ये कितने आराम से ये मैश हो रही है, कितनी ईजिली। ठीक है, आप कड़छी से भी मैश कर सकते हैं इसको,
और मेरे पास ये मैशर है, मैं इससे करती हूँ मैश। चलिए मैं इसको पूरा मैश करके फिर आपको मिलती हूँ। देखें ये भूनने लग गया, ऑयल छोड़ने लग गया ना, तो इट मीन्स ये भूनने लग गया। थोड़ा सा और हो जाए फिर करते हैं, और साथ साथ ना जब हम ये कूट रहे हैं ना तो इसको भी हम साथ साथ हिलाते रहेंगे कहीं मसाला नीचे ना लग जाए। ये भी हो रहा है, मैंने इसको हिला दिया। ये देखिए थोड़ा सा ये रह गया, वेजिटेबल्स जो है मैंने ना उसको मैश कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ इसको। ये भी हो चुका है मेरा मसाला भी, मसाला ऑल्सो डन। तो अब इसमें मैं सब ऐड कर देती हूँ। ये सब ऐड हो चुका है। देखा आपने कितनी सारी वेजिटेबल्स, हिडन वेजिटेबल्स बच्चे खा रहे थे। बस क्या किया इसमें, थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, मसाला डल गया और पनीर डल गया, ट्विस्ट आ गया। बच्चों को पता भी नहीं हमने इसमें क्या क्या डाल दिया। और मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं इसको, चावल के साथ भी खा लेते हैं, परौंठी के साथ भी खा लेते हैं, और रोटी के साथ भी खा लेते हैं। मिस्सी परौंठी बनती है उसके साथ भी, और पाव के साथ तो खाते ही हैं पाव भाजी। तो पाव भाजी इज़ ऑप्शनल, जैसे आप अगर मैदा नहीं खिलाना चाहते तो आप रोटी सब्जी के साथ, रोटी के साथ दे दें, राइस के साथ दे दें। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार तो इनको पाव भाजी के साथ दे देती हूँ इसको, ये वाली सब्जी पाव के साथ। सेकेंड टाइम में ये लोग परौंठी या राइस या रोटी के साथ ले लेते हैं। तो चलिए इसको मैं थोड़ा भून लेती हूँ, अब फिर मैं आपसे मिलते हैं। पानी से ही मैंने 2-3 करछी के लिए बराबर ले लिए, इसमें डाल के ना मिक्स करके मैं इसमें ऐड कर दूँगी। क्या होगा कि मैं इसको जब भूनूंगी ना तो अच्छे से भून जाएगा सब्जियाँ मसाले के अंदर, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड डाउन कर दिया। थोड़ी देर मैं भून के फिर आपसे मिलती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा। तो देखिए ये भून चुका है, अभी इस पोजीशन पे मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने लिया था 150 ग्राम। आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, आप कितना बना रहे हैं पाव भाजी की सब्जी, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। तो क्या पनीर डालने से क्या होता है, बच्चों को ना एक क्रंच मिल जाता है, क्रंच इन द सेंस कि दे आर एक्साइटेड टू हैव वेजिटेबल्स जब उनको ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसी पोजीशन में मैं धनिया ऐड कर दूँगी अंदर ही, इसी में ही, गार्निश में नहीं डालूँगी। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। प्लेटिंग पे पास करके दिखाओ, देखो कितना अच्छा कलर आया है, सी कितना अच्छा कलर आया है पाव भाजी का। चलो मैं आपसे प्लेटिंग पे मिलती हूँ। तो ये देखें मैंने मिसी परौंठी के साथ भी पाव भाजी की सब्जी प्लेटिंग कर दी है और पाव के साथ भी प्लेटिंग कर दी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल आप लोग सेफ रहें, सेफ रहें, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।